आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए देखते हैं क्या दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी में 50 टर्म्स हैं और जिसका थर्ड टर्म 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म, हमें 29th टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमें एपी में दिया गया है, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हम नोट डाउन करेंगे। फॉर दिस एपी वी हैव, क्या दिया हुआ है हमें? अगर हम मान लें एपी में एन टर्म्स हैं तो एन इज इक्वल टू 50, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम एन का यूज़ करते हैं, सो दैट एन इज इक्वल टू 50। एंड एपी के जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम A1, A2, A3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो थर्ड टर्म हमें दिया गया है, सो A3 इज इक्वल टू 12। और लास्ट टर्म के लिए हम एल यूज़ करते हैं, सो एल इज इक्वल टू 106। अब हमारे पास एल, A3 और एन की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, वो हमने यहाँ पर लिखी। और हमें पता क्या करना है, 29th टर्म पता करना है। सो 29th टर्म पता करने के लिए इट मीन्स A29 हमें पता करना है, ए एन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी। अगर ए और डी की वैल्यू आपके पास है तब आप एपी का कोई सा भी टर्म पता कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज नाउ टू कैलकुलेट ए एंड डी। ए और डी की वैल्यू हमें पता करनी है। उसी के लिए उसने आपको ये दो कंडीशन देखा यहाँ पर दी गई हैं, लास्ट टर्म जो दिया गया है और थर्ड टर्म आपको दिया गया है। तो लास्ट टर्म, जब कभी किसी एपी के हमें दो टर्म दिए गए हों तो हम उन दो टर्म से दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? देखिए, जो एल इक्वल टू 106 है, एल क्या है ये? अब चूंकि एपी में एन टर्म है और एन इक्वल टू क्या है, 50 है, तो जो 50th टर्म होगा मतलब वो ए एन टर्म होगा, चूंकि एन टर्म है उसमें, तो जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए एन ही हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि एपी में 50 टर्म है और जो लास्ट का टर्म है वो 106 है। इट मीन्स ए 50 हमें ये दिया गया है, 106। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म हमें 106 दिया गया है। आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एल का भी यूज़ कर सकते हैं और ए एन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एल का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। एल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म ऑफ द ए पी का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा ए एन का फॉर्मूला भी होता है। अब क्या करना है हमें, यहाँ जो वैल्यूज हमारे पास हैं उन्हें हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और जो नहीं है उन्हें ऐसे ही रहने देंगे। एल की वैल्यू हमारे पास है, एल की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास है उसको रिप्लेस करेंगे। तो बन जाएगा ये 106 इज इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 49D यहाँ से हमें मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, ए और डी में हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको थोड़ा सही से अगर लिखें तो दोनों साइड को इंटरचेंज कर लेते हैं, ए प्लस 49D इज इक्वल टू 106। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए, ए और डी में हमें क्या मिल गई है, एक लीनियर इक्वेशन। हमने प्रीवियस जो हमारे पहले चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं इसका, इससे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने पढ़ा है, वहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले इक्वेशन हमने बना ली है कि ये, अब एक दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें दूसरी कंडीशन दी गई है, जो हमें A3 दिया गया है 12। अब हम उसको लेंगे, ऑल्सो A3 इज इक्वल टू 12। सो A3 की वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे यहाँ पर, A3 का फॉर्मूला हमें पता है क्या रखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, सॉरी ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 ये यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो दैट विल बी द अनदर इक्वेशन, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं ए और डी में, इनको अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ए के कोफिशियंट सेम है। और अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दें या 2 में से 1 को कर दें, आपका ए कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रख लें, ऐसा कर सकते हैं आप कि आप देखिए, जो जिसमें डी का कोफिशियंट बड़ा हो, जिसमें डी का न्यूमेरिकल कोफिशियंट बड़ा हो, जैसे डी का न्यूमेरिकल कोफिशियंट यहाँ क्या है, 49 है, और यहाँ क्या है, 2 है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सेपरेट करें। मतलब जिसमें डी का न्यूमेरिकल कोफिशियंट छोटा हो उस इक्वेशन को सेपरेट करें आप दूसरी इक्वेशन में से, तो क्या होगा, 49D माइनस 2D आएगा, तो आपका जो डी आएगा, जो रिमेनिंग होगा वो प्लस का बचेगा। अदरवाइज अगर आप 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो माइनस के 47D आएगा,
एक स्टेप आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर माइनस को आपको रिमूव करना होगा। सो दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम वन। तो हमें क्या मिलेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 49D में से 2D जाएगा हमें, तो क्या मिलेगा 47D, और 106 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 94। सो डी विल बी इक्वल टू 2। हमें डी की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। अब इस डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो जिसमें वैल्यू छोटी हो उसमें रिप्लेस करने में हमें बेनिफिट रहेगा, कैलकुलेशन कम करनी होगी। सो हम डी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए प्लस 2D था यहाँ पर, तो ए प्लस 2 × 2 मतलब ए प्लस 4D हो जाएगा इक्वल टू 12, और 4 आपका 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 8। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज ए एंड डी, ईजिली वी कैन कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ द AP। हम इस AP का कोई सा भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कौन सा पता करना है, 29 पता करना है। सो अब हम AN का फॉर्मूला हमारे पास होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो A29, N को हम रिप्लेस करेंगे 29 से, तो क्या हो जाएगा, A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 × D। अब इसमें हम A और D की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देंगे। A की वैल्यू हमारे पास है A, और D की वैल्यू हमारे पास है 2, और ये 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 28। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर डी की वैल्यू रखी हो फिर उनकी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे पहले बोर्ड मास कहता है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। जब तक यहाँ से जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को उतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। अब फिर से बोर्ड मास को ही फॉलो करना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है और फिर ऐड करना है। तो 28 2 56, और 56 में आप 8 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। सो वी कैन से दैट द 29th टर्म ऑफ दिस AP इज 64। सो इस तरह से यदि हमें AP में दो टर्म दिए गए हैं तो उन दो टर्म से हम दो इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद हम उसका तीसरा या कोई सा भी जो भी हमें टर्म फाइंड करना है वो हम पता कर सकते हैं। प्रोसीजर समय यही रहेगा आपका, आपको दो इक्वेशन बनानी है A और D में। वो इक्वेशन कैसे बनेंगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर L दिया हुआ था तो एक इक्वेशन यहाँ से बनी, और एक A3 दिया हुआ था दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनी। सो होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।